जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 12 जनवरी का एमपी का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 12 जनवरी का। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ने का एक सुनहरा मौका है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लास है और लाइव डाउट क्लियर के साथ है यहाँ पर आपको, और 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें मॉक टेस्ट है और उनके एनालिसिस भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और फिर सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम, और आपको रेफरल कोड के रूप में सुमित जैन यूज करना है, तभी आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी प्री क्लियर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर 150 घंटे का रिवीजन लेकर आया है, जिसमें आपको इसको ज्वाइन करना है। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र है एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर के लिए है, और यहाँ पर यह आपका 10 से 12 जनवरी तक चलेगा। फ्री लाइव क्लास के द्वारा आपकी एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर तैयारी करवाई जाएगी, तो बस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और अभी जाकर इसको ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्री के लिए फ्री फुल लेंथ के टेस्ट है, जिसमें आपको टेस्ट दिए गए हैं। इसमें जो भी थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको मिलेंगे अनअकैडमी का एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें। तो आज ही आप अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आप ध्यान रखना है यहाँ पर जो है अनअकैडमी ने टॉप 3 जो विनर्स रहेंगे उनके लिए यहाँ पर फ्री प्लान उपलब्ध कराया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस बैच के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं और 2020-21 में अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। ये सारे बैच कोर्स आपके जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी तैयारी आप यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी एमपीपीएससी 2020-21 क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपकी तैयारी के लिए यहां पर आया है 60 दिन का क्रैश कोर्स विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है, और यहाँ पर आपको थ्योरी लाइव रिविजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस रात में आपके होंगे। एमपी टॉप एजुकेटर के द्वारा आपके लिए यहां पर कोर्स करवाया जाएगा और पीडीएफ नोट्स के साथ। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है आपका 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इसको एनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्न में से अटल भूजल योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसमें मध्य प्रदेश का वह जिला बताना है, कौन सा वह जिला है जो इसमें शामिल नहीं है, इंदौर, सागर, जबलपुर या देवास। तो आपका सही आंसर है देवास, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। देवास जिला जो है इसमें शामिल नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्रालय में अटल भूजल योजना एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने कहा है, अटल भूजल योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में तेज गति से काम हुआ है। मध्य प्रदेश की भूजल गुणवत्ता काफी अच्छी है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिले छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, जबलपुर नहीं है, दमोह है, दमोह, पन्ना एवं निवाड़ी, और 9 ब्लॉक इसमें शामिल है। कौन कौन सी, पथरिया, छतरपुर और नौगांव, राजनगर, अजयगढ़, पलेरा और बलदेवगढ़ एवं निवाड़ी इसमें जो है शामिल है। योजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है और मध्य प्रदेश में योजना की लागत 315.62 करोड़ रुपए है और 100% राशि विश्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त होगी। तो यह है जो है इसमें 6 जिले शामिल है और 9 ब्लॉक इससे अटल भूजल योजना में शामिल हैं और जो देवास है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया,
तो कब किया है इसका शुभारंभ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और इसका जो सही आंसर है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 11 जनवरी। तो राइट आंसर है 11 जनवरी, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को 11 जनवरी को मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्त्री महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया। इस अभियान का नाम है सम्मान, यह आपके लिए याद रखना है। समारोह में महिला अपराधों को रोकने तथा घटित होने वाली उपरांत पीड़िता की सहायता करने वाले असली हीरो को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक चलने वाली इस 15 दिवसीय सम्मान अभियान का उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिला एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। साथ ही जनमानस को जागरूक कर सशक्त बनाना है, और ताकि स्वयं ही महिलाएं ही नहीं बल्कि हम सब मिलकर सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अभियान के 2 प्रमुख नारे हैं आपके लिए याद रखना है। जो सम्मान अभियान है इसके नारे क्या हैं, इस प्रकार का आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से असली हीरो, ये जो है 2 जो इस सम्मान के क्या है अभियान के नारे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी हैं ने कुंडलिया डैम का निरीक्षण किया है, यह परियोजना किस जिले में स्थित है। परियोजना बताना है कौन से जिले में स्थित है, इंदौर में, सागर में, राजगढ़ में या देवास में। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है राजगढ़, विकल्प नंबर 3 आपके यहाँ पर राइट आंसर है, राजगढ़ आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लें क्या है कि 12 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में कुंडलिया बांध का लोकार्पण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का शिलान्यास किया। इस बांध का नाम है अटल सागर बांध, इस बांध का नाम रखना है याद, अटल सागर बांध इसका नाम है रखा गया है। कुंडलिया सिंचाई परियोजना के माध्यम से राजगढ़ और आगर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब जो कुंडलिया है इसके माध्यम से कुंडलिया बांध का लोकार्पण हुआ है, इस बांध से किस 2 जिले को इससे जो है लाभ होगा, तो राजगढ़ और आगरा आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में किस जिले को उनका विकास किया जाएगा, तो स्मार्ट सिटी के रूप में किस जिले का विकास किया जाएगा, तो दतिया आपके यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बता दें जो दतिया है, यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गत दिवस शनिवार को दतिया मंडी प्रांगण में 3,91,00,000 की लागत के विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा है। उपकेंद्र बन जाने के बाद आसपास के निवासियों को सतत विद्युत प्रदाय किया जाएगा, जिससे उन्हें विद्युत कटौती जैसी असुविधाओं से निजात भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि दतिया को स्मार्ट सिटी के रूप में इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि इसकी अलग ही झलक लोगों को देखने को मिलेगी। तो याद रखना, और गृह मंत्री की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। तो और यहाँ पर क्या आप अपनी थ्योरी रिवीजन आपका हो गया है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट यानी कि MCQ रिवीजन चाहिए, तो आपको अनअकैडमी लेकर आया है 60 दिन का रिवीजन बैच कोर्स थ्योरी सब्जेक्ट वाइज MCQ सीरीज। इसमें डेली सब्जेक्ट वाइज MCQ रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद नोट्स भी आपको मिलेंगी। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो यह आपके लिए याद रखना है। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्या आप MPPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन जो मेगा फाउंडेशन बैच कोर्स है यह आपका स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। यहां आपको 10 महीने का कोर्स है, इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लास विथ MP के टॉप एजुकेटर के माध्यम से, PDF रिवीजन नोट्स भी उपलब्ध हैं, वीकली मेगा क्विज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड रिवीजन बैच कोर्स भी है, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान में आपको यहाँ पर सारे रिकॉर्ड रिवीजन सेशन मिलेंगे।
और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और डाउट क्लियर सेशन भी। और यहाँ पर संकल्प बैच है जिसमें आपको मिलेंगे डेडिकेटेड डाउट क्लियर और आपको रिविजन बूस्ट करने के लिए। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही बैच को ज्वाइन करें और दोनों बैच आप एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप यहाँ पर। जिन लोगों ने प्री क्लियर कर ली है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मेंस की तैयारी में कोई भी चूक ना करें, इसलिए अनएकेडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपके लिए 35 दिन का मेंस 35 दिन का है एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट के साथ हिंदी मीडियम में। आज ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं इस स्वप्न पूर्ति बैच के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और इसमें आपको सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी, फिर इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्लस, और इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार आपका यह कोर्स है, तो आपको जो भी कोर्स लगे महत्वपूर्ण भाई आप कोर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। यहाँ पर आपके लिए 10% डिस्काउंट भी उपलब्ध है। जी हाँ, तो आप 10% डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, वो भी सुमित जैन रेफरल कोड यूज करते हैं तभी आपके लिए 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी आप यहां से अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके एमपी करंट अफेयर की 12 जनवरी के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।